हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन। एंड आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट एंड नोट क्या होते हैं, किस प्रकार हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने विनवर्ड के डॉक्यूमेंट में, ये किस प्रकार अप्लाई होता है, ये सब हम आज के इस चैप्टर में सीख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम सीखेंगे फुटनोट बॉक्स। फुटनोट बॉक्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली फुटनोट बॉक्स में हम देखते हैं एंड नोट एंड फुटनोट। एंड नोट और फुटनोट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पेज के फुट पे आपको कोई नोट देना है तो उसके लिए आप फुटनोट का यूज करेंगे। ऑल राइट, उसके बाद आता है इंसर्ट एंड नोट। यहाँ पे एक पेज है, ऑल राइट, यहाँ पे दूसरा पेज है या तीसरा पेज है, तो यहाँ पे आप सभी पेजेस के नोट्स एक लास्ट वाले पेजेस में दोगे। ऑल राइट, आप क्या करोगे, सभी जितने भी पेजेस है ना, एक है, दो है, तीन है, 15, 20, 25 जितने भी पेजेस है उनके नोट्स जो है आप लास्ट वाले पेज पे दोगे। तो लास्ट वाले पेज पे देने को ही हम और एंड नोट कहते हैं। तो हमें पता चल गया पेज के फुट पे एंड नोट होता है पेजेस के लास्ट में। तो यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट होता है, उसके बाद नेक्स्ट फुट नोट हमें नोट देखने हैं, नेक्स्ट या हमें प्रीवियस फुट नोट देखना है, नेक्स्ट एंड नोट देखना है कि कहाँ पे हमने एंड नोट अप्लाई किया है, उसके लिए हम इन ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो आइए विनवर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने विनवर्ड की स्क्रीन पर। यहाँ हम पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे हमें फुट नोट अप्लाई करना है, तो फुट नोट के लिए सबसे पहले कोई हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें उसका नोट बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैंने कर लिया डॉक्यूमेंट सिलेक्ट, उसके बाद Alt S F यहाँ पे हम जैसे ही गए, यहाँ देखिए आपका हमारे पास नोट्स आ गए। ओके, तो यहाँ मैं दे सकती हूँ जैसे एनी फाइल, तो ये मैंने नोट दे दिया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले पे, प्रोवाइड पे Alt S F। यहाँ पे हमने इस तरीके से अपने टेक्स्ट ऐड कर दिए। उसके बाद हम आते हैं शो, तो इस तरीके से हम अपने नोट्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। और फायदा ये होगा, जब भी आप किसी कर्सर पर जाओगे तो वो टेक्स्ट ऑलरेडी बना हुआ आ जाएगा, जो इसके नोट्स हैं वो ऑलरेडी हमें दिख जाएंगे। आया समझ में? इसके बाद हम जैसे बड़ा पैराग्राफ ले लेते हैं क्योंकि हमें एंड नोट अप्लाई करना है। तो यहाँ कुल मिलाकर हमारे पास 17 पेजेस हो गए अब तक। अब हम चाहते हैं कि एंड नोट अप्लाई करना है, यानी कि सारे पेजेस का एक ही जगह पे एंड नोट बन जाए। तो यहाँ पे आप प्रोफेशनली पे गए, Alt S E प्रोफेशनली यूज टू हैव, मतलब एनीथिंग यू कैन राइट। ओके, एनीथिंग अपने हिसाब से, आपको जो ठीक लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपने देखा है कहीं से समझा है वो आप लिख सकते हो, Alt S E। ओके, तो यहाँ तक हमने एंड नोट अप्लाई कर दिए हैं अपने सारे। तो आपको अब देखना है, सबसे पहले अब आता है ऑप्शन हमारा नेक्स्ट फुट नोट। हमें देखना है कि हमने नेक्स्ट फुट नोट किस में दिया है, तो उसके लिए Alt S O नेक्स्ट फुट नोट पे चलेगा। ये देखो, हमने यहाँ पे दिया था नेक्स्ट फुट नोट, यहाँ गए Alt S O नेक्स्ट एंड नोट कहाँ दिया था, वहां चले जाते हैं। तो यहां पे हमने दिया था नेक्स्ट एंड नोट, Alt S O। इसके बाद भी नेक्स्ट एंड नोट पे जाना है हमें, यहां दिया हमने नेक्स्ट एंड नोट। ओके, इस तरीके से हम Alt S O करके नेक्स्ट एंड नोट पर, नेक्स्ट फुट नोट पर और प्रीवियस फुट नोट पर, प्रीवियस एंड नोट पर, मतलब नेक्स्ट का मतलब तो होता है इसके बाद का, प्रीवियस का मतलब होता है इसके पहले का। तो नेक्स्ट या प्रीवियस जिस पे भी जाना है हम उस पे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है शो नोट्स, Alt H करके हम यहाँ पे शो नोट्स ऑप्शन में जाएंगे। हमें देखना है फुट नोट का एरिया, फुट नोट कहाँ थे, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं फुट नोट के एरिया में।
उसके बाद जाते हैं ऑल्ट एस एच, एंड नोट का एरिया देखना हमें, ये रहा भाई ऑल्ट एस एच, हमें देखना है एंड नोट एरिया। तो यहाँ पे गए एंड नोट पे क्लिक किया, ओके, तो ये हम एंड नोट पे आ गए। तो इस तरीके से हम अपने विनवर्ड में एंड नोट और फुट नोट अप्लाई करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि फुट नोट और एंड नोट किस प्रकार से ये सहायक होते हैं, किसी भी नोट को देने के लिए किस प्रकार इसका यूज होता है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर है आई होप, इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।